कर्मचारी यूनियन की तरफ से बोल रहा हूँ। आज सरकार का रवैया बिजली बोर्ड के प्रति बड़ा उदासीन है। यहाँ देखा हमने, मुझे रिटायर हुए हुए 4 साल हो गए हैं, उससे पहले मैं 36 साल बिजली बोर्ड की सेवा दे चुका हूँ। हमने आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी। हमने सरकार से छोटी मोटी हमारी मांगे होती थी, कोई स्पेशल अलाउंस वगैरह होता था, कोई डेंजर अलाउंस वगैरह होता था, एक आह्वान पर ही हमारे को चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उस टाइम हमारे को गवर्नमेंट ऐसे ही खुशी खुशी से दे देते थे वो अलाउंसेस। आज यहाँ पर ये नौबत आई है, सरकार के पास पैसे ही नहीं है, या कि हमारे को एक तरफा करने के लिए, या हमें एक हमारे स्ट्रक्चर जो हमने पेंशनर को बनाया है उससे बाहर करने की सोच रही है। हमारे बिजली बोर्ड में पेंशनर कई किस्म के हैं, इसमें ये लाइनमैन के भी है, ऑफिसर लाइन के भी है, पर उनका गुजारा ही उसी से चलता है। अगर वो गुजारा हमारा, अगर पेंशन नहीं होता तो क्या करेंगे। नई पेंशन में एनपीएस में हमारे को जो दूसरे डिपार्टमेंट में देखा कि 3500 के आसपास में पेंशन मिलती है, उससे कोई गुजारा नहीं होने वाला। किसी का ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है और हमें ही बाहर भगाया जा रहा है। सरकार की ये साजिश है, पहले बिजली बोर्ड को फेल करो, फिर उनकी सैलरी बंद करो। इसमें हम 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है और इसकी सैलरी ये कहाँ जाता है ये हमें पता नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि बिजली कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार ना करे, वरना हम जो है ना सारे मिलके अब हम बिना खाए पिए भूखे भी हम धरना गवर्नमेंट के सामने दे सकते हैं। हम लोगों ने आपको बनाया है, सरकार किसकी हमारी है, डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये सरकार उनकी नहीं है। जब इलेक्शन आते उसको तो हाथ जोड़ के आते हमारे पास से इलेक्शन पे खड़ा कर दो, ठीक है हमें जिता दो। अब आप लोगों की समस्या रखी है, अब जब वो जो बनता है तो फिर उनको जो कुर्सी है उसका स्वाद आता है। आज मैं 10 कमाऊंगा तो मैं 20 कमाऊंगा, पर मैं 50 कमाऊंगा, शाम तक मैं 100 कमाऊंगा, पर जिनकी वजह से पैसा मिल रहा है उनको आप घुमा रहे हो, ये तो बहुत गलत है। अब हम ये यूनिटी है, हम किसी भी सरकार को झुका सकते हैं, तो सब खाता में सैलरी आई है। अब एटलीस्ट सरकार को तो संज्ञान लेना चाहिए था कि 1 तारीख को ये रिलीज करेंगे। हम जैसे स्टेट की आह्वान होगा, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हमारे को जिंदाबाद।